बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि गदर में आप सब ने मुझे देखा ही है, बहुत प्यार दिया है, उम्मीद करता हूँ इस फिल्म में भी आप बहुत प्यार देंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली मुझे अपनी कला को दुनिया के सामने लाने का मौका मिल रहा है, अपने देश के सामने लाने का मौका मिल रहा है। एंड इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, रिशिता जी एंड नवाजुद्दीन सर, नितिन चक्रवर्ती, एंड किसी भी डेब्यूटेंट के लिए एक सपना साकार होने जैसा है जब इतने बड़े कलाकार नए लड़के की नई लड़की की फिल्म से जुड़ते हैं। तो ज़रूर स्क्रिप्ट में कुछ दम रहा होगा तभी जुड़े हैं। तो बस यही चाहूँगा कि आप सब फिल्म देखने आइए, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत कंप्लीट एंटरटेनर है आप सब। एक्चुअली मुझे याद है हम लोग पहली बार मिले थे तभी मैं ऑडिशन दे रही थी, स्क्रीन टेस्ट दे रही थी उनके ऑफिस में, और ये आई थिंक ऐसे ही अंदर आया और तभी पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं हुई। लेकिन फिर बाद में हम लोग साथ में बैठ के रिहर्सल्स करते थे, वर्कशॉप्स करते थे, तभी मैंने उनको प्रॉपरली जाना और तभी हमारी अच्छी बातें होने लगी। इंडस्ट्री में अपने अपने अलग अलग क्वालिटीज हैं और वो वहाँ जो साउथ इंडियन जो सोसाइटी है, कल्चर है, वैसी फिल्म रहती है बॉलीवुड में वैसे थोड़ा सा, और हमारा जो नॉर्थ साइड है या फिर जो वेस्टर्न साइड है वैसे फिल्म बनते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल जो मूवीज रहते थे ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द कल्चर, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हर जगह पर आपको उतने डेडिकेटेड उतने पैशनेट लोग मिलेंगे। मैंने ये अपने कैरेक्टर से ज़रूर सीखा है, मैं उतना जीनियस नहीं हूँ जितना ये कैरेक्टर है, मुझे से दो तीन कदम आगे सोचता है, 100 में से 100 लाता है, बहुत फॉर्मूले याद रहते हैं उसको। अगर मेरे को पढ़ाई में इतने याद रहते तो आज मैं आइंस्टाइन बन चुका होता। बट ये कैरेक्टर जो है बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है, एंड रियल लाइफ में तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैच्योरिटी सिचुएशन को हैंडल कर सकूँ उतना बेहतर, क्योंकि इमेच्योरिटी से तो नुकसान ही होना है। जो ज़िंदगी की परिस्थितियों में नहीं घबराता है और उस पर विजय पाता है वही जीनियस होता है, इस कहानी का सार भी यही है। तो अच्छा सवाल पूछा आपने, तुम ना तो वैन में भी नहीं जाते थे, वो तो वहाँ पर बैठे रहते थे। नवाज सर भी 12 घंटे अगर हैं शूटिंग पे तो 12 घंटे सेट पे ही रहते हैं, बहुत ही कूल हैं दोनों, इतने ग्राउंडेड व्यक्ति हैं कि आप जब उनसे बात करेंगे आप भूल जाएंगे कि वो लेजेंड है, वो सुपरस्टार है। एंड अपने न्यूएंसेस, अपने छोटे छोटे चीज़ों पे काम करते रहते हैं, तो एज यंग एक्टर्स हम बस उनको देखते रहते हैं कि भाई ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी करें इतनी मेहनत, इंस्पिरेशन हो जाता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है उनसे एक्चुअली। एंड वो कभी भी हिचकिचाते नहीं, अगर आपको उनसे कोई डाउट है या आपको एक और खुद के लिए टेक लेना है तो कभी भी हिचकिचाते नहीं, आपको अपना समय देते हैं, आपको अपना टाइम देते हैं, और वो चाहते हैं कि सीन बेहतर हो। वो ये नहीं चाहते कि अपनी परफॉर्मेंस नहीं देखते, वो पूरे सीन को देखते हैं, पूरी फिल्म को देखते हैं, वो चाहते हैं अच्छी फिल्म बने, ना कि सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस आ रही।